भारतीय सेना आज अपना 17वां आर्मी दिवस मना रही है। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। 17वें आर्मी दिवस के मौके पर सेना ने एलओसी पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुंछ में एलओसी के नजदीक कोटली में भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया, जबकि कई पाकिस्तानी सैनिक इस कार्रवाई में जख्मी हुए। इससे पहले सेना ने उरी सेक्टर में घुसपैठ कर रहे 6 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। साथ ही इससे पहले शनिवार को पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर की गई फायरिंग में एक भारतीय जवान शहीद हुआ था, जिसके जवाब में सेना ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एक वरिष्ठ आर्मी ऑफिसर ने बताया कि आर्मी ने पुंछ जिले में मेंढर सेक्टर में एलओसी के पास जगलोट एरिया में पाकिस्तान की कार्रवाई का जवाब दिया, जिसका परिणाम यह रहा कि 7 पाकिस्तानी इस मुठभेड़ में मारे गए। इन द सर्च ऑपरेशंस व्हिच वर लॉन्च्ड इन द मॉर्निंग सो फार 4 बॉडीज ऑफ द टेररिस्ट हैव बीन रिकवर्ड while the fifth body is lying across the Jhelum river onto the banks near the boat which they had used to cross the river. Large cache of arms and ammunition have been recovered. Of these, there are 4 AK-47s, 3 UBGLs and 38 UBGL grenades, about 23 hand grenades, 9 IEDs and many such warlike items were recovered from these terrorists. Our success rate on various operations against the terrorists are very successful. I compliment our forces for that.